सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में काफी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनका यूज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं, और उन यूजेस की वजह से हमारे सिस्टम की स्पीड पे भी फर्क पड़ता है। और जैसा कि आज आपने यहाँ पे टाइटल पे पढ़ा और थंबनेल में देखा कि आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको कि थंबनेल प्रीव्यू को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। थंबनेल प्रीव्यू एक ऐसा फीचर है जिसमें आपकी रैम कंज्यूम होती है, कई बार आपका रैम प्रोसेस करता है थंबनेल को और आपको प्रीव्यू दिखाता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे फोल्डर मैंने यहाँ पे बना रखा है डेमो का, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस हैं। और भी अगर हम देखें तो माय कंप्यूटर में जाके मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइव में जाके दिखाता हूँ। सपोज ये वीडियोस का मेरा फोल्डर है जिसमें काफी सारे वीडियोस हैं और इन सबका आपको थंबनेल प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर हम चाहें कि इन थंबनेल प्रीव्यू को डिसेबल कैसे करें कि यहाँ पे हमें बस थंबनेल प्रीव्यू की जगह सिर्फ फाइल दिखाए किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आप करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, इस टास्क को परफॉर्म करने के तीन तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप चाहे कोई सी भी विंडोज यूज कर रहे हो, XP 7, विंडोज 10, 8, आप सभी में ये तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे डेमो फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, आपको लाइव प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा डेमो फोल्डर है और ये हमारा वीडियोज फोल्डर है। आपको जाना है फाइल्स में, विंडोज XP एंड 7 में यहाँ पे मिलेगा फोल्डर ऑप्शन, विंडोज 10 में और 8 में यहाँ पे मिलेगा फाइल। ठीक है, आप चाहें दिस PC में जाएं या फिर किसी ड्राइव में जाएं, किसी फोल्डर में जाएं, आपको ये फाइल हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो सपोज हम अपने फोल्डर्स में गए जहां पर हमारे पास पिक्चर्स या वीडियोस हैं जिनका हमें थंबनेल प्रीव्यू नजर आ रहा है। आपको फाइल्स में जाना है, यहाँ पे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस आएगा। XP N7 में आपके पास डायरेक्ट फोल्डर ऑप्शंस आता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर टैब्स आ रहे हैं, जनरल व्यू एंड सर्च व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास सबसे ऊपर एक आ रहा है, यहाँ पर आपके पास फाइल्स एंड फोल्डर फील्ड में सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स। ठीक है, जैसे आप इस पर टिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपकी जो फाइल है, जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं, वो आपको प्रीव्यू शो नहीं करेंगी। प्रीव्यू शो करने का काफी इफेक्ट पड़ता है आपकी रैम पर, क्योंकि यहाँ पर उसको कुछ भी लोड नहीं करना पड़ता, जस्ट आपको फाइल शो कर देता है कि ये कौन सी फाइल है। हालांकि इसका नुकसान ये है कि आप फाइल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इसका इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिस भी वजह से आप थंबनेल प्रीव्यू डिसेबल करना चाहते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया, इसको आप ओके करके आप क्लोज कर सकते हैं। आप किसी भी अब फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें भी आपकी मीडिया फाइल है, आपको थंबनेल यहाँ पे प्रीव्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको वापस से डिसेबल करने के लिए हम यहाँ पर वही चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास व्यू टैब आएगा। व्यू टैब में सबसे ऊपर ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स को हम अनचेक कर देंगे, अप्लाई, ओके, यहाँ पर अब हमें शो कर रहा है। बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड आप विंडोज 10 में फॉलो कर सकते हैं और 8 में फॉलो कर सकते हैं। आपको रन कमांड में जाना है, विंडो प्लस आर हमने दबाया और आपको ये कमांड यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज परफॉर्मेंस। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज परफॉर्मेंस, ये आप विंडोज 10 में अलग से फीचर है जिस पर आप ओके बटन करके जा सकते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑप्शन का एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे कस्टम ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनको आप डिसेबल करके अपने सिस्टम की स्पीड में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज 10, 8 और 7 को भी इंक्लूड करें तो इनमें काफी सारे एनिमेटेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप एनिमेशन को डिसेबल कर देंगे, हालांकि आपको यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो कम हो जाएगा, लेकिन एनिमेशन को जितना ज्यादा आप कम कर देंगे उतना ज्यादा अपनी रैम को आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो थंबनेल्स, यहाँ पर आप देखिए अभी हम वीडियोस में हैं और ये डेमो हमारा फोल्डर है। आप कोई सा भी मल्टीमीडिया फोल्डर हो, किसी भी पूरे हार्ड ड्राइव में जितनी मल्टीमीडिया फोल्डर हो, सब पर ये अप्लाई करेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक मिलेगा शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन्स, इसको अनचेक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी जो फाइल्स थी ऑटोमेटिकली आइकन्स में कन्वर्ट हो गई है, थंबनेल प्रीव्यू यहाँ पर शो नहीं कर रही है। ठीक है, सेम हम इसको वापस से डिसेबल करें तो आपको सेम वापस से रन कमांड में जाना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज में जानी है आपको, परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर आपको इस तरीके से शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन्स पे चेक कर देना, ओके कर देना है। तो इस तरीके से वापस से अनेबल हो जाएगा, अनेबल डिसेबल दोनों आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, जो कि सभी विंडोज में वर्केबल है। पहला ऑप्शन सभी विंडोज में वर्केबल है, दूसरा ऑप्शन सिर्फ विंडोज 10 और 8 में वर्केबल है। अब जो तीसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूं
वो सभी विंडोज में वर्केबल है। चलिए देखते हैं क्या है वो ऑप्शन। जो तीसरा ऑप्शन है उसके लिए हम रजिस्ट्री एडिटर टूल का यूज करेंगे, विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे REGEDIT एंड ओके बटन पे एंटर प्रेस कर देंगे, यस बटन दबाएंगे और हमारा रजिस्ट्री एडिटर टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्री एडिटर टूल में आपको जाना है, इस तरीके से टी स्ट्रक्चर व्यू आएगा। आपने काफी सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे रजिस्ट्री पे, और इसमें आपको इस रजिस्ट्री पर जाना है, ये रजिस्ट्री लोकेट करनी है। एच की करंट यूजर में जाना है, फिर सॉफ्टवेयर में जाना है, देन माइक्रोसॉफ्ट, देन विंडोज, देन करंट वर्जन, एक्सप्लोरर, देन एडवांस। चलिए देखते हैं कैसे जाएंगे। इसको मैं इस तरीके से अरेंज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एच की करंट यूजर आ रहा है। इसके बाद सॉफ्टवेयर में आप गए, सॉफ्टवेयर में इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे सॉफ्टवेयर्स को। सॉफ्टवेयर में आप गए, यहां पर आपको जाना है फिर माइक्रोसॉफ्ट में। आप देख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बाद माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंडेड है ऑलरेडी। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाना है आपको विंडोज में, विंडोज में गए, विंडोज भी एक्सपेंडेड है। विंडोज के बाद करंट वर्जन, करंट वर्जन में जाने के बाद आपको मिलेगा एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर आपको मिल रहा है यहाँ पे, एक्सप्लोरर के अंदर एडवांस। ठीक है, एडवांस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास काफी सारी रजिस्ट्रीज आ जाएगी। ठीक है, इसकी अब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एड्रेस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एच की करंट यूजर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, करंट वर्जन, एक्सप्लोरर, एडवांस्ड। ये आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइकन्स ओनली का। ठीक है, आइकन्स ओनली पर आप डबल क्लिक करेंगे। अभी आप देखें हमारा जो फोल्डर है डेमो का, ठीक है, इसमें हमको आइकन्स, हमारे हमारे जो थंबनेल प्रीव्यू है वो हमको शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्री एडिटर टूल से ये हटाना है तो आइकन्स ओनली पर क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो है, इसको आप वन कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप अपने फोल्डर को देखिए, अभी आपको थंबनेल प्रीव्यू नजर आ रहा है, लेकिन जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपकी हार्ड ड्राइव में जितने भी थंबनेल प्रीव्यू होंगे वो आइकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको थंबनेल प्रीव्यू शो नहीं होगा। अगर आपको उसको वापस से डिसेबल करना है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो कर देंगे और वापस से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं और यहाँ पर वापस से थंबनेल प्रीव्यू आ गए। तो गाइज इसका यूज ले सकते हैं डेफिनेटली, ये काफी कारगर होता है अगर आपको फोल्डर एंड फाइल्स नेविगेशन करने में दिक्कत आती है, ऊपर जो स्लाइडर है वो काफी टाइम ले लेता है लोड होने में थंबनेल प्रीव्यू के चक्कर में, तो आप इस ट्रिक का यूज ले सकते हैं। इससे आपकी विंडोज अच्छे से वर्क कर सकती है, फोल्डर एंड फाइल नेविगेशन में अच्छी स्पीड दे सकती है अगर आपके पास रैम का इशू है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।